मन से प्रार्थना करते रहो, निवेदन करते रहो, उसके समीप चरणों में जाकर धोक लगाते रहो, उसको नमन करते रहो, उससे विनती बार बार करते रहो कि तेरे बल पर जी रहा हूँ, तेरी कृपा से जी रहा हूँ, तेरी करुणा से जी रहा हूँ, उसके सिवा कुछ भी नहीं है महाराज। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने मंथन किया और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जब मंथन करे तो उस मंथन में शिवलिंग प्रकट हुआ। मंथन में शंकर का प्रकट होना बहुत बड़ी बात है। जैसे बात बात में शिवजी का नाम, शंकर का यश, शंकर भगवान का गुणगान, शंकर भगवान की भक्ति की बात आपके मुख पर अगर बार बार आ रही है ना, आप बार बार कह रहे हैं कि बड़ी कृपा करी साहब मेरा, मैंने तो पशुपति व्रत करा था और भगवान ने मेरा ऐसा कर दिया, मैंने भगवान को मूंग चढ़ाया था और भगवान ने ऐसा कर दिया, मैंने चावल चढ़ाया था भगवान को और भगवान ने ये कर दिया, मैंने भगवान को बेलपत्र चढ़ाया था भगवान ने मेरा ये काम कर दिया, भगवान को मैंने धतूरा चढ़ाया था भगवान ने मेरा ये काम कर दिया। आप बार बार शिव जी का यशगान गाते हो ना, यशगुण गाते हो, तो उसमें भी एक सुख का अनुभव होता है। आपके यशगुण गाने में भी करके देखना, सास से निवेदन है, बहू की बड़ाई करके देखो, बहू का यशगुण गाकर देखो, कितनी भी बुरी बहू हो, कितना भी अपशब्द कहती हो, कितना भी ताना देती हो, कितनी भी गाली देती हो, कितना भी आड़ा तेड़ा बोलती हो, भले तुम्हें संभालती हो ना संभालती हो, तुम्हारा सम्मान करती हो ना करती हो, तुम्हारा आदर करती हो ना करती हो, उसके बाद भी तुम चार लोगों से अपनी बहू की बड़ाई कर कर देखना, खूब बड़ाई करना उसकी, खूब यश गुण गाना उसका, भले वो गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, कुछ भी बोले, पर तुम यश गुण गाओ उसका, खूब गाओ और खूब दिल से यश गुण गाओ उसका। एक महीना इंतजार करना यशगुण गाते गाते, दूसरे महीने में जिस बहू का तुमने यशगुण गाया है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, वो भी सिर पर पल्लू लेकर तुम्हारे को धोक लगाने आएगी जरूर, ये पक्का। आप अपने भीतर कुछ अच्छा तो लाओ, कुछ अच्छा ढूंढने का प्रयास तो करो। आज कोई कह रहा था गुरुजी, पूरे भारत में, पूरे जगह पर देखा जाए तो आज दुनिया के लोग ये भगवान के नाम से क्यों इतना चिढ़ने लगे। भगवान के नाम से, राम नाम से, शिव नाम से, कृष्ण नाम से, ये दूसरे लोग आखिर चिढ़ते क्यों? तो हमने कहा सीधी सीधी बात है कि रामचरितमानस में भी वर्णन आया कि जब जब रामचरितमानस में जब जब राम जी की सेना के लोग जय जय श्री राम चिल्लाते थे, तब तब जितने राक्षस थे वो सब जितने भी राम सेना के दल के लोग जब जब श्री राम चिल्लाते थे, जितने भी राक्षस थे वो सब भिनक जाते थे, सब भिनकते थे,
सब गुस्सा करते थे, सब क्रोध करते थे। जब उस समय पर भगवान के नाम से राक्षस भिनक जाते थे, तो आज के समय के राक्षस भी तो जय जय श्री राम करने पे भिनकेंगे कि नहीं भिनकेंगे? जरा विचार तो करो। जब उस समय पर राम दल की सेना चलती थी और हनुमान जी ने धमक के अंगद ने कूद कर रावण के सामने कह दिया था जय जय श्री राम, तो सारे राक्षस भिनक गए, सब क्रोध आ गया, सबको गुस्सा। तो जब त्रेता में ये हाल था राक्षसों का राम नाम से, तो फिर तो ये तो कलयुग है। अब तुम राम बोलोगे तो थोड़ा सा तो भिनकट्टा छूटेगा ही, इनके भीतर भी थोड़ा थोड़ा तो आएगा, पर आग लगे बस्ती में, अपन रे मस्ती में, जो ज्यादा भिनके नहीं तो उसको भिनकने दो। तुम तो जोरदार खजूर वाली चोटी बना के बिंदी लग तैयार हो के भगवान के मंदिर जाओ और राम नाम गुण गाओ, शिव का स्मरण करो, लोटा भर के जल चढ़ाओ, शंकर का भगवान का भजन करो, शिव की भक्ति में जितने जितने लग सकते हो उतने लगो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक लोटा पानी जो भगवान शंकर को समर्पित करता है, मरने के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारा किसी पवित्र नदी में तर्पण करे ना करे, तुम्हारा शिव को दिया हुआ जल तुम्हारे खाते में पहुंच जाता। आपने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल दिया है, शिव जी को एक लोटा पानी चढ़ाया, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करा है, शंकर भगवान को एक लोटा जल अगर आपने दिया है तो वो आपके खाते में पहुंचेगा जरूर, ये निश्चित है, पक्का है। और शिव भक्ति के अनुसार, शंकर भगवान के अनुमोदन के अनुसार, पहले भी कथा में कहा आज फिर कह रहे हैं, आप जब शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करते हो तो वो 33 कोटि देवताओं के हिस्से में चले जाता है, एक भाग पितरों के हिस्से में चले जाता है, एक भाग आहूतों के हिस्से में चले जाता है, एक भाग वाचुकों के हिस्से में चले जाता है। आपने जो भगवान को दिया वो धीरे 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 बढ़ता चले जाता है, भगवान के धामों में पहुँचता चले जाता है। जिन जिनको आपने नहीं भी दिया, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल उन तक भी पहुँच जाता है, ये केवल आपकी निर्मल और आनंदित भक्ति के बल पर।